Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये नष्टपायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा दमन दमन प्रणाम सभी के चरणों में। आज मुझे फर्स्ट कैंटो अध्याय 19 और उसका श्लोक नंबर 1 और 2 की सेवा दी गई है। आप मुझे कृपया सब आशीर्वाद दें ताकि मैं अच्छे से सेवा कर सकूं। इसमें जो भी गलतियां होंगी वो मेरे मूर्खता के वजह से मेरे अज्ञानता के वजह से होगी, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अध्याय 19 श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। श्रुत उवाच महीपतिस्व तत्कर्मगर्यं विचिन्तयं आत्मकृतं सुदुर्मणा अहो मया नीचमनार्यवत् कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ तेजसी। अनुवाद श्रील सुत गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा अर्थात महाराज परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है, फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। श्लोक नंबर 2 ध्रुवं ततो मे कृतदेव हेलनाद दुरात्ययं व्यसनं निति दीर्घात् तदस्तु कामं यघनीकृताय मे यथान कुर्यान् पुनरेव मध्वा। राजा परीक्षित ने सोचा, श्री भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना झिझक के कामना करता हूँ कि वह संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस प्रकार मैं पाप कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। यहाँ पे कल जैसे प्रभु जी ने कल के लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था कि ब्राह्मण बालक श्रृंगी द्वारा महाराज परीक्षित को जब शाप मिलता है तो उनका मनोभाव किस तरह से है। तो यहाँ पे राजा परीक्षित पूरा दैन्य भाव दिखा रहे हैं। उनको वो बालक श्रृंगी ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी है वो उसके प्रति भी बहुत ही नम्रता से विनम्रता से पेश आ रहे हैं। और कल प्रभु जी ने इसके लिए वो शिक्षाष्टकम का 3 नंबर का श्लोक प्रस्तुत किया था, तृणादपि सुनिचेन तरोरेव सहिष्णुना अमाननीन मानदेय कीर्तनीय सदाहरि। तो यहाँ पे राजा परीक्षित के स्वभाव के बारे में बताया गया है, कितने विनम्र और कितना दैन्य भाव उनमें आया है। उनको अभी जो
श्रमिक ऋषि के प्रति उन्होंने जो अपराध किया है उसके प्रति उनको पश्चाताप हो रहा है। तो ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते वक्त एक श्लोक पढ़ते हैं, वो श्लोक मैं आपसे आपके साथ शेयर करूंगी। यस्विंद्र गोप अथवेंद्र अहो स्वकर्म बंधानुरूप फल भाजनम आतनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, कि जो भक्ति में लगा हुआ है, जो भगवान का भक्त है, तो ऐसे भक्तों के कर्मों को क्या कर देते हैं, दहती भस्म कर देते हैं भगवान, है ना। ऐसे कर्मों को, उनके कर्मों को उनकी कोई लिस्ट ही नहीं रखते भगवान। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं निर्दहति, है ना। तो निर्दहति मीन्स उसको भस्म तो करते हैं, लेकिन किस तरह से करते हैं कि उसकी जो राख भी रह जाए, ऐशेष भी रह जाए भस्म करने के बाद, तो वो ऐश भी दिखने को न मिले, वो राख भी दिखने को न मिले, इस तरह से उसको पूरा भगवान नष्ट कर देते हैं, पूरा अपने भक्तों की जो भी पाप कर्म है उनको वो उनसे मुक्त कर देते हैं। और ऊपर कैसे बता रहे हैं कि एक सामान्य इंद्रगोप है, एक सामान्य जीव है, इंद्रगोप से लेके भगवान सॉरी देवता इंद्र तक, तो ये जो है इनके सारे जो कर्म है तो ये बंधानुरूप फल भाजनम आपनोति, तो इनको अपने कर्म के अनुसार इनके वो बंधनों में बनते हैं और उनका फल उनको भोगना पड़ता है, है ना। एक इंद्र गोप लेके एक सामान्य जीव से लेके देवता इंद्र तक, इन सबको अपने कर्मानुसार उनको फल भोगने होते हैं, लेकिन जो भक्त है, जो भक्त है उनके सारे कर्मों को, जो भी उनके कर्म है, पाप कर्म है, भगवान क्या कर रहे हैं उनको भस्म कर देते हैं। तो ऐसे गोविंद को मैं नमन करता हूँ। तो ब्रह्मा जी भगवान की इस तरह से स्तुति कर रहे हैं। और यहाँ परीक्षित महाराज भी अब बड़े दुविधा में है, है ना, बड़े संकट में है। उनको पश्चाताप हो रहा है कि उन्होंने जो श्रमिक ऋषि के प्रति उनके साथ जो अपराध हुआ है, तो उसके प्रति पश्चाताप के लिए अब वो आगे सुखदेव मुनि से जाके उनका वार्तालाप होता है। सुखदेव मुनि से वो सुखदेव मुनि की शरण ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने एक लेक्चर में सुना था कि जब हमारे मन में भी ऐसी दुविधा हो या हम लोग ऐसे संकट में हो तो हमें क्या करना होगा, तो डाउट करके उसका नाम था। जब डाउट के एक एक वर्ड्स हम लोग लेंगे तो डी फॉर, है ना, तो डी फॉर है डिस्कस विद सीनियर्स, ऑलवेज डिस्कस विद सीनियर्स। जब हम ऐसे संकट की घड़ी में रहेंगे तो हमें क्या करना है, हमारे वरिष्ठों से हमें हमेशा सलाह मशवरा करना चाहिए, है ना। तो इसका एक उदाहरण मिलता है रामायण में। रामायण में क्या हुआ था, जो कैकेयी थी वो कैकेयी क्या करती थी, वो मंथरा से डिस्कस करती थी, मंथरा के साथ उसका सलाह मशवरा रहता था, है ना, जो उससे कम है, जो उससे छोटी है, है ना। तो हम यहाँ पे हमारे आचार्य कहते हैं जब आपको डिसीजन लेना होगा या आपको कई संकट की घड़ी आती है तो आप आपके सीनियर से हमेशा उसके साथ डिस्कस कीजिए, है ना। तो ये कैकेयी क्या मंथरा क्या कर रही थी, कैकेयी को जब बता रही थी कि देखो तुम्हारे अभी राम का राज्याभिषेक हो रहा है, तुम्हारे बच्चे को वो राजपद नहीं मिलेगा, तो भी कैकेयी को मन में कुछ नहीं आ रहा। कैकेयी कह रही कोई नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, राम भी मेरा बेटा है, मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। तो अभी दूसरी बार कैकेयी मंथरा कहती है कैकेयी को कि देखो कि यदि राम राजा बन जाएगा तो कौशल्या महारानी बन जाएगी, है ना, और फिर तुम उसकी दासी हो जाओगी, तो तुम्हें उसके दासी के रूप में रहना पड़ेगा। अभी भी कैकेयी के मन में कुछ भी नहीं आ रहा। तो मन कैकेयी कह रही कोई नहीं, कौशल्या तो हमसे बड़ी है, तो मुझे तो वो बड़ी प्रिय भी है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसके दासी बन के रहने में। लेकिन अभी तीसरी बार मंथरा जो बात कहती है उससे पूरा रामायण पलट जाता है। तो अभी मंथरा कहती है कि देखो कैकेयी तुम बहुत भोली हो, है ना, तुम्हें ये षड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा है कि अभी देखो राम का राज्याभिषेक हो रहा है, लेकिन तुम्हारा पुत्र कहाँ है, तुम्हारा भरत कहाँ है इस पूरे सीन में, है ना, तुम्हारे बेटे को जानबूझ के दूर भेजा गया और फिर ये राज्याभिषेक इतने तुरंत, है ना, कल के कल ही राज्याभिषेक किया जा रहा है, इतनी भी जल्दी क्या है। और ये सुनते ही फिर कैकेयी के मन में भी डाउट आ जाता है कि हाँ
इतनी भी क्या जल्दी है कि भरत के आने तक क्यों नहीं रुक सकते। तो अभी ये जो मन कल कैकेयी के मन में डाउट आया या उसके मन में जो भ्रम पैदा हुआ, तो ऐसे वक्त में वहां पे राज्य में बहुत सारे वरिष्ठ मुनिगण मौजूद थे ना, साक्षात वशिष्ठ जी थे जो राज्याभिषेक करने वाले थे वो थे, फिर महाराज दशरथ थे, बहुत सारे लोग थे जिनसे कैकेयी अपनी डिसीजन ले सकती थी, उनसे पूछ सकती थी। लेकिन कैकेयी ऐसा न करते हुए क्या करती है, मंथरा से डिस्कशन करती है, मंथरा के साथ उसका वार्तालाप होता है। तो इसलिए हमें हमेशा जब भी हमारे मन में कभी दुविधा हो, हम कभी संकट में हो, तो हमें हमारे सीनियर से डिस्कस करना चाहिए। दूसरा आता है ओ। ओ क्या है? ऑब्जेक्टिव थिंकिंग। ऑब्जेक्टिव थिंकिंग में क्या है कि इसका अंतिम गोल क्या होगा, इससे क्या एम क्या मिलेगा मुझे, है ना। जैसे महाराज परीक्षित ने जो ये प्रायश्चित करने के बारे में सोचा है ना, तो वो अंतिम उसका फल सोच रहे कि इसका फल इसके इसका ये क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो जब भी हमारे मन में भी ऐसी दुविधा आए तो हमें उस एम के बारे में सोचना है कि इसका एम, मेरा एम क्या है ना, मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, इससे मुझे क्या लक्ष्य प्राप्ति होगी। बाद में आता है यू। यू यानी क्या? अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम ऑल एंगल्स। जब ऐसी दुविधा आए तो सामने वाले के पक्ष से भी खुद को सोचना है ना, सभी एंगल से हमें सोचना होगा, सामने वाले का भी क्या मत प्रदर्शन हो सकता है, मेरा भी क्या मत प्रदर्शन है, इन सभी एंगल से उस सिचुएशन को देख के हमें डिसीजन लेना होता है। फिर आता है बी। बी में आता है ब्रिंगिंग इन प्रैक्टिस। तो क्या है ब्रिंगिंग इन प्रैक्टिस, मीन्स क्या है? अभी आपने ऑब्जेक्टिव थिंकिंग हो गया, आपने अपने सीनियर से डिस्कस कर लिया, फिर आपका सारा एंगल से सोच के हो गया, तो अभी आपको उसको उस थ्योरी को प्रैक्टिकल में लाना है। प्रैक्टिकल में लाना है यानी क्या? तो हमें प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ने हैं, हमें चैंटिंग करना है, हमें भागवतम भगवद गीता का आश्रय लेना है, ताकि इन्हीं ग्रंथों को पढ़ने के बाद हमें वो डिसीजन लेने के लिए हमें वो पावर भी मिलेगी और हमें वो मार्गदर्शन भी मिलेगा। फिर लास्ट में आता है टी। टी इज टाइमली पेशेंस, कि ये सब होने के लिए हमें थोड़ा वक्त भी देना पड़ेगा, है ना, कि आज चाहा और आज ही उसका रिजल्ट आए, ऐसा नहीं होगा। एक समय को भी है ना, अपना एक समय देना पड़ेगा उस घटना को घटने के लिए, तो टाइमली पेशेंस भी होना चाहिए। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जैसे आयुर्वेद में पहले के जमाने में होता था कि कैंसर जैसी बीमारी को भी ठीक करने के लिए वो लीच, है ना, जिसको क्या कहते हैं मराठी में, कुछ मुझे भी याद नहीं आ रहा, तो वो लीच करके एक जो ब्लड को सफ करता है, जरूर जरूर, हाँ थैंक यू प्रभु जी, तो वो उस लीच को यूज किया करते थे। तो वो लीच क्या करता था, उसको बस शरीर पे छोड़ देते थे जहाँ पे वो जख्म है वहां पे, और उसको छोड़ने के बाद वो पूरा वो ब्लड सोख लेता था, है ना, और फिर जो उसका टाइम हो जाने के बाद वो अपने आप नीचे गिर जाता था। लेकिन बिफोर टाइम यदि हमने उस लीच को यदि निकालने की कोशिश करी तो वो तो ये वो निकलता नहीं था, और वो निकलेगा भी तो पूरा वो स्किन को टियर करके निकलेगा, है ना, रप्चर करके निकलेगा। तो वैसे ही हर चीज के लिए हमें वो समय देना चाहिए, तो वो समय के अनुसार वो चीज उसका रिजल्ट भी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डाउट के बारे में जैसे इन सब इससे हमें अपने जीवन में उतार के एक एक पार्ट्स को, है ना, एक एक शब्द को हम उस तरीके से यदि मार्गदर्शन करेंगे तो शायद हमें वो मार्गदर्शन मिलेगा, हमें वो सहायता मिल सकती है। तो यहाँ पे अभी जो परीक्षित महाराज, ये भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है कि वो भगवान से किस तरह से सरेंडर है, वो जानते हैं हर बात के लिए, वो चाहे तो उस ब्राह्मण बालक श्रृंगी को भी शाप दे सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पे वो ऐसा न करते हुए ये सब वो भगवान की कृपा समझ रहे हैं, है ना। तो भक्ति में प्रेम भक्ति चंद्रिका बाय नरोत्तम दास ठाकुर, तो उसमें भक्ति के 5 टाइप बताए गए हैं। तो इन 5 टाइप में सबसे लास्ट जो 5th वन है वो एकदम टॉप मोस्ट है ना, सुपर लेवल का है, तो हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर से लेंगे। इन डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से भक्ति को बताया गया है, तो सबसे पहले नंबर 5, तो नंबर 5 पे आता है वो साधक, वो भक्तगण जो जिनकी मन और बुद्धि पूरी की पूरी भगवान में लगी हुई है ना, वो अनन्य भक्ति में है, उनको भगवान के सिवा कुछ भी नहीं सोचता। तो ऐसे भक्त आते हैं नंबर
पांच पे, फिर नंबर फोर्थ। अभी नंबर फोर्थ वाले कहेंगे कि वो नंबर पांच वाला तो हमें जमता नहीं है, हम इतने अनन्य भक्त नहीं बन सकते, हम दिन रात हमसे होता नहीं है, या भगवान के हमारे ऊपर इतनी कृपा है ही नहीं। तो इनके लिए भगवान कह रहे हैं कि जो ये नंबर फोर पे है तो वो क्या करेंगे, आप गुरु के है ना, और जो आपके जो भी आचार्य है उनके पद कमलों पे आप चलिए, उन्होंने जो जो विधि विधान बताए गए हैं आप उसको फॉलो कीजिए, है ना। सुबह आपको 4:30 बजे मंगल आरती के लिए जाना है तो आपको 1 घंटे 1.5 घंटे पहले उठना होगा, तो वैसे उठिए, मंगल आरती कीजिए, भगवान का अर्च विग्रह की पूजा कीजिए, फिर भगवान के लिए स्नान सारा कुछ, भगवान की सेवा होने के बाद आप भगवान के लिए प्रसादम बनाएंगे, मंदिर मार्जन करेंगे, है ना। दोपहर की आरती होगी, संध्या आरती होगी, शयन आरती होगी रात की। मीन्स आप अपने आप को जैसे गुरु और आचार्यों ने मार्गदर्शन किया है उस तरह से अपने मन को एंगेज रखिए। तो ये आ गए चौथे नंबर पे। फिर तीसरे नंबर वाले कहेंगे, नहीं बाबा हमसे तो इतना भी नहीं हो पा रहा है, नहीं हम इतना नहीं करेंगे, हमें मंगल आरती नहीं होगा, हमें इतने दिन भर ये सब नहीं करना, क्योंकि हमारा जॉब है, हम लोग काम भी करते हैं, तो हमसे ये सब कुछ नहीं होता, है ना। तो तीसरे नंबर पे आते हैं। तो तीसरा नंबर वाले वो क्या, तो भगवान कहते हैं कि आप लोगों से ना वो मन बुद्धि मुझमें इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास उतना समय नहीं है, या आपके पास उतना एबिलिटी नहीं है। तो चलो आपने फोर्थ नंबर पे आ गए, आपने गुरु के और आचार्य को मार्गदर्शन किया, ठीक है आप में वो भी एबिलिटी नहीं है, आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो तीसरा नंबर है आप कीजिए, आप दान पुण्य कीजिए, है ना। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े राजकारणी वगैरह है, नेता लोग वगैरह है ना, वो सड़क बनाते हैं, बड़ी बड़ी सड़क बनाए, कहीं पे प्याऊ लगवा दिए, हॉस्पिटल में बेड्स लगवा दिए, तो इससे होता क्या है, तो जैसे अच्छी सी सड़क बना दी, एग्जाम्पल देती हूँ आपको, अच्छी सी सड़क बना दी तो पहले उस रोड से किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए समझो 3 से 4 घंटे लग रहे होंगे, है ना, रास्ते खराब होने की वजह से। लेकिन अभी वो रोड बना दी है तो ऐसे उन जो वहां पे जो जाने वाले लोग हैं, है ना, समझ लीजिए उस रास्ते से कोई वैष्णव ही यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो उन वैष्णवों को अभी 45 मिनट से 1 घंटा ही लग रहा है ना, क्योंकि वो सड़क अच्छी बन गई इसके वजह से। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, इनडायरेक्टली उससे वो पुण्य हो गया कि उन वैष्णवों को उनका वो समय बच गया, और वो उसको वो क्या देंगे, उसको वो ब्लेसिंग्स देंगे। कहीं पे प्याऊ लगवाया है ना, कोई प्यासा है, कोई भक्त है, वहां पे आके पानी पी लेता है, तो उसके मन से वो जो तृप्ति हो जाएगी, तो वो तृप्ति से उसको वो ब्लेसिंग्स देगा। तो इस तरह से भगवान कह रहे, तो तीन नंबर पे आके तुम दान पुण्य का कार्य करो। तो अभी सेकेंड नंबर वाला कहेगा कि मेरे से तो ये भी नहीं होगा, मेरे से तो इतना दान पुण्य वगैरह भी नहीं हो रहा है ना, मेरे पास उतना धन है नहीं, मैं कर नहीं पाता। तो फिर अभी सेकेंड नंबर के लिए यहाँ पे कहा गया है कि तुम ध्यान करो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम अपना श्रम भी नहीं कर सकते, फिजिकली भी कुछ नहीं कर सकते, तो अभी तुम क्या करो कि तुम अभी ध्यान करो, है ना, प्रकाश पे ध्यान करो, ज्योति पे ध्यान करो, है ना, तुम अपने आप को एक पावर पे इन्वेस्ट करो, तुम इससे तो थोड़ा सा तुम्हें पुण्य मिल जाएगा, है ना, मेरी भक्ति तुम्हें इससे भी प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे इसको ध्यान करने के लिए बोला गया है। तो अभी आता है नंबर वन, जो सबसे निकृष्ट कहा जाएगा। तो नंबर वन काला कहेगा, मेरे से तो ये ध्यान भी नहीं होता, मैं तो एक जगह पे बैठ नहीं सकता, मेरा तो मन भी नहीं लगता। तो अभी भगवान व्यासदेव जी कह रहे हैं, आचार्य कहते हैं कि अभी तुम क्या करो, तुम्हारा किसी पे भी तुम्हारा मन नहीं लग रहा, तो तुम अब हरिद्वार जाओ, तुम काशी जाओ, तुम वृंदावन जाओ, और वहां पे जाके क्या करो, तुम वहां पे जाके पूजा पाठ करो, है ना, तुम वहां पे जाके स्नान करो नदियों में, तुम वहां जाके गंगा को दीप दिखाओ, तुम वहां जाके वहां पे ब्राह्मणों की सेवा करो, है ना, थोड़ी बहुत पूजा कर लो। तो देखिए, तो इन पांच ही प्रकारों में भगवान, है ना, भगवान भक्तों पे कृपा करते हैं, है ना, भगवान अपनी कृपा सभी को देना चाहते हैं किसी ना किसी मार्ग से। भगवान कहते हैं तुम इतना नहीं तो इतना करो, इतना नहीं तो इतना करो। तो भगवान कितने कृपावत्सल है, है ना, भगवान इतने कृपावत्सल है कि भक्त को, उस जीव को वो अपने पास लाना चाहते हैं, अपने पास आकृष्ट करना चाहते हैं।
और इसलिए वो उन भक्तों के लिए ये अलग अलग टाइप के मार्ग उन्होंने छोड़े रखे हैं। लेकिन हम बद्ध जीव हैं कि हम हमारे भौतिक आकर्षणों में इतने बंधे हुए हैं कि भगवान के लिए हमारे पास समय ही नहीं रहता। हम हमारे जो भौतिक काम है उनमें इतने सारे उलझे हुए हैं कि हमारे पास वो समय ही हम नहीं दे पा रहे हैं, या हमारे वो बहुत सारे रीजंस होते हैं भक्ति ना करने के। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज ये अपना एक उदाहरण स्टेबल करते हैं कि एक राजा होते हुए भी जब उन्हें ये पता चलता है कि उनके अभी अंतिम दिन बाकी है, अंतिम 7 दिन उनके पास बाकी है, तो वो अपना पूरा राजपाट त्याग के अपनी पत्नी, इतनी सुंदर पत्नी, सुंदर बच्चे, इन सभी का त्याग करके वो गुरुओं की शरण ग्रहण करते हैं और भागवतम का पठन करना शुरू कर देते हैं। तो महाराज परीक्षित से हमें यही सीखना चाहिए कि हमें हमेशा नित्य हमारे भौतिक जीवन में आसक्त न रहकर, है ना, अपने कर्तव्य को तो पूरा करना है लेकिन आसक्त न होकर भगवान की भक्ति करनी होगी। हरे कृष्णा, मैं अभी यहीं पे विराम देती हूँ, मेरे से कुछ चूक हो गई हो तो मुझे कृपया सब क्षमा करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता। बहुत अच्छा आपने प्रेजेंट किया माता जी, और जो जो जैसे प्रेम भक्ति चंद्रिका, रतन दास ठाकुर, और ये सब जो आपने एब्रीवेशंस ऐड किया डाउट्स वाला, इट रियली वेरी वंडरफुल। बहुत अच्छा लगा माता जी। तो आज ऐसा लग भी नहीं रहा था कि आज आपका पहला क्लास है, तो थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आप आते रहिए और ऐसे ही अच्छा प्रेजेंटेशन देते रहिए माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऑल ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव। थैंक यू प्रभु जी। किसी को कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो, तो ग्रुप में जो वरिष्ठ अपने जो प्रभु जी से, प्लीज उनसे पूछ लीजिए, मैं कोशिश करूंगी बताने की। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, इतना सुंदर आपने समझाया। माता जी आप थोड़ा प्लीज एक बार वो जो ब्रह्म संहिता में से जो आपने बताया वो एक बार रिपीट करेंगे माता जी, स्टार्टिंग में जो बताया था वो। जी प्रभु जी। यस्मिन्द्र गोप अथवेन्द्र अहो सत्कर्म स्वकर्म बन्धानुरूप फलभाजनम् आतनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजाम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। इसका एक्सप्लेनेशन भी देना है क्या प्रभु जी? हरे कृष्णा जी। जी जी माता जी, आपने जो उसमें समझाया था ना वो थोड़ा मेरा मिस हो गया, सॉरी माता जी। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान कितने कृपावत्सल है, भगवान अपने भक्त के प्रति कितनी कृपा दृष्टि रखते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इंद्रगोप नाम का जो एक छोटा सा जीव है, उससे लेकर देवताओं के राजा इंद्र तक सभी को अपने कर्मों में बंध के उसका फल प्राप्त करना पड़ता है, उसके बंधन के हिसाब से उसके उसके कर्म का फल उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, लेकिन अभी कह रहे किंतु च, लेकिन जो भक्ति कर रहा है, जो विष्णु का भक्त है, कृष्ण का भक्त है, उसके सारे कर्मों को भगवान क्या कर देते हैं, निर्दहति, उसको भस्म कर देते हैं, उसको जलाकर राख कर देते हैं। तो इतने भगवान कृपावत्सल है कि अपने भक्तों के जो पाप कर्म है उनके पाप कर्मों का एक लेश मात्र भी वो उसका ऐशेष भी नहीं रखते, उसकी राख भी नहीं रखते, उसको भी पूरा भस्म कर देते हैं। तो ऐसे गोविंद को, ऐसे भगवान को ब्रह्मा जी नमन कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। पहले तो बहुत अच्छा आपका क्लास था,
आप जो भी मतलब आप मराठी हैं लेकिन फिर भी ऐसे होते हुए आपकी हिंदी इतनी साफ शुद्ध है कि समझ में सब आ जाता है, और इतनी क्लियर थी सब समझ में आ गया, और सारे पॉइंट्स आपने जो जो बताए इतने मतलब सीधा जाके दिमाग को लगते हैं, तो मतलब समझ में प्रैक्टिकल पॉइंट्स थी कि आपने प्रैक्टिकल पॉइंट्स के साथ समझाया। और माता जी ये माता जी वो जो अभी आपने एक और पॉइंट बताया था ये मुझे अच्छा हुआ, लेकिन आपने जो पॉइंट्स बताया कि कितने प्रकार के भक्त हैं, तीसरे नंबर के, दूसरे नंबर के, पहले नंबर के, हर स्तर के भक्त होते हैं भगवान के, हर स्तर, क्योंकि सब एक स्तर पे एक समान नहीं हो सकते, हर किसी का स्तर अलग होता है, तो उसमें से कम आज ये पता क्लियर हो गया, मुझे पता चल गया कि मैं कौन से नंबर का, शायद मैं दूसरे नंबर का हूँ, तो मुझे पता चल गया कि भगवान का कौन से नंबर का भक्त मैं हूँ। और पता जी एक बस एक छोटी संकोच था कि ये जो हम आपने जब भी समझाया था कि जीव मात्र जिससे भी कोई भी पाप कर्म होते हैं तो भगवान उनको कैसे नष्ट करते हैं, लेकिन जीवात्मा को जो जो कि मनुष्य योनि में है अभी, उनको पाप और पाप पुण्य का फल लगता है ना माता जी, लेकिन जो जो पशु योनि में है उनको तो मतलब अगर उसने किसी ने जैसे अगर हम देखते हैं शेर ने उसने खा लिया उसको हिरण को, तो उसको तो पाप नहीं लगता ना माता जी। जी माता जी आपने बहुत सही कहा है, क्योंकि ये जो योनिया है ये भोग योनिया है ना, ये पहले से ही भोग रही है, और फिर मनुष्य योनि है ऐसी है जो जिसको वो भोग योनि से परे है ना, ये जो है बाकी सब पशु योनि है उनको भोग योनि कहा गया है कि जिनको वहाँ पे उनके कर्मों के बंधन में वो नहीं बनते है ना, वहाँ पे उनको बस भोग करना है और वहां से उनको मुक्त होना है। जी माता जी हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। मैंने वही एक्चुअली क्योंकि वो सब लोगों को डर लगता है कि मतलब अरे वो यमराज का खाता, उसमें सब सोचने लग जाते हैं कि कुछ तो कुछ पाप पुण्य कर ले, क्योंकि कितने लोग भक्ति भी नहीं कर सकते, बूढ़े हो गए हैं अभी उनको लगता है कि हमके, तो ये मतलब हम देखते हैं मतलब पशु पक्षियों को जब हम चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग करते समय हम पूरा नेचर को देखते हुए तो ऐसा लगता है अरे ये तो मतलब, और मैंने सुना भी था कि वो इसका उन गुड़गांव में कि वो बोलते थे कि मतलब यमराज के खाते में ये लोग नहीं आते, ये बेजुबान जानवर ये पशु पक्षी नहीं आते, तो अच्छा लगता है कि भगवान ने मतलब इंसानों को इतना दिमाग नहीं लेकिन भगवान के पास है कि किसको उसमें खाते में हिसाब किताब में रखना है और किसको नहीं। थैंक यू माता जी। जी माता जी भगवान बहुत ही कृपा वत्सल है ना माता जी, बहुत कृपा वत्सल है, वो सबको है ना छोटे से कीट से लेके जो एक दिन का जीव है उससे लेके 10-10 हजार के जो वृक्ष है उनके ऊपर भी वो कृपा कर रहे हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी। सॉरी सभी भक्तों को मैं वापस थोड़ा बीच में एक थोड़ा पूछना चाहता हूँ माता जी, जैसे माता जी आपने नरोत्तम दास ठाकुर जी का आपने रेफरेंस किया, तो माता जी उसका वो जो आपने बोला था वो हरी भक्ति जरा वो प्लीज बताएंगे, और इसमें जो आपने जो तीसरा स्तर बताया था, अरे तीसरा नहीं जो दूसरा स्तर के ज्योति ब्रह्म ज्योति पे ध्यान लगा के उनके लिए वो जो मतलब भगवान में निरंतर अपना ध्यान नहीं रख सकते, गुरु महाराज का आचार्य गण का आज्ञा पालन नहीं कर सकते या कोई दान पुण्य नहीं कर सकते तो कम से कम ध्यान करें, तो माता जी इसको हम लोग भक्ति के साथ कैसे समझ सकते हैं माता जी, ये दो जरा प्लीज बताएंगे माता जी। यहाँ पे ना एक बात सोचने वाली ये है कि भगवान कितने कृपा वत्सल है ये इसका गुण हमें बता रहे हैं कि भगवान हर लेवल पे अपनी कृपा बरसाने के लिए तैयार है। भगवान कहते तुमसे ये नहीं हो रहा तो तुम ये करो, जैसे आपने थर्ड नंबर पे पूछा था है ना, थर्ड नंबर पे और कौन से सेकंड नंबर का पूछा था शायद एक बार मुझे जरा जो ध्यान जी माता जी सेकंड सेकंड और जी सेकंड नंबर उसको भक्ति के साथ कैसे रिलेट करेंगे माता। तो जो ध्यान ध्यान करते हैं जो योगी है जो हिमालय में बैठे हैं है ना, जो क्या कर रहे हैं ध्यान पे प्रकाश पे ध्यान कर रहे हैं, तो वो कुछ समय के लिए कोई 5 साल ध्यान कर रहा है कोई 10 वर्ष ध्यान कर रहा है, तो अपने जीवन के कुछ समय तो सही उसने उस भगवान के उस ज्योति को है ना, भगवान कह रहे ये ज्योति भी क्या है मेरे शरीर से निकला हुआ प्रकाश है ना, ये मेरा ही एक अंग है मेरा ही एक भाग है, तो
उससे तो सही, उसने ध्यान तो किया है, कोई बुरे कर्मों में तो नहीं लगा है ना, उसने उतना समय उसने मेरा उस ज्योति पे, उस प्रकाश पे उसने ध्यान दिया है, तो भगवान उस पे भी कृपा करेंगे, भगवान उस पे भी, उसके साथ भी ब्लेसिंग, उसको भी ब्लेसिंग्स देंगे। तो यहाँ पे भगवान की वो कृपा वत्सलता बताई गई है कि हर एंगल से हर जीव पर भगवान कृपा करने के लिए भगवान भी तरस रहे हैं, और भगवान चाहते हैं कि आप किसी ना किसी तरह से आप आइए है ना, जुड़िए मुझसे, वो माध्यम कुछ भी हो, जुड़ जाइए मुझसे, मैं हर समय आपके ऊपर कृपा बरसाने के लिए तैयार हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी। इसका खाली वो हरि भक्ति क्या, जिसमें से आपने बताया श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी का, वो क्या था माता जी जिसमें आपने ये बताया? प्रेम भक्ति चंद्रिका, प्रेम भक्ति चंद्रिका प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। जय, एक मिनट माता जी, आपका क्लास बहुत सुंदर था और क्वेश्चन आंसर भी बहुत सुंदर थे, बहुत आंसर आपने अच्छे से दिए, बहुत अच्छा लगा। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि फर्स्ट टाइम आपसे क्लास सुन रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि आप काफी टाइम से हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे सुनने में, क्लास में फिर से आइएगा। हरे कृष्णा। लेकिन माता जी मैं तो डरी हुई हूँ, पता नहीं मेरे मन में एकदम डर सा हो गया आज। नहीं, जो भी भक्त आते हैं ना, हमारी इतनी बड़ी प्रभुपाद जी ने फैमिली बना के रखी है ना, तो उसे देखने के बाद हाँ इसे तो मैं पहले से पहचानते हैं, और वो वही बोलता है सब भागवत, हाँ इनसे तो पहले से नाता है बराबर, अपने ही परिवार के, अभी तो आप हमारे ही परिवार के हो, तो प्लीज डरिए मत। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत बढ़िया क्लास था, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, स्पीचलेस जैसे बोलते ना वैसे हो गए थे, मतलब जैसे मतलब कुंजेश्वरी माता जी या फिर गोपी मनोहर प्रभु जी ने बताया, मतलब पहला क्लास कभी लग नहीं रहा था, लेकिन ये डेफिनेटली लग रहा था माता जी कि आपको काफी सालों से एक्सपीरियंस है और आप बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच माता जी, हरे कृष्णा। और ग्लोरियस टू यू टू प्रभु जी, जो आपने मुझे इस ग्रुप में ऐड किया। नहीं माता जी, सब कृष्ण की कृपा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, और पॉइंट जो अभी आपने बताई थी कि सर जीव पवन प्रभु जी की, माता जी जो आपने लास्ट में जो प्रभु जी ने एक और प्रश्न पूछा था, तो वही उसमें एक्चुअली जो माता जी आपने बताया कि भगवान इतने कृपा वत्सल है कि वो भी उसको भी वो मायने देते हैं, कि मतलब कुछ नहीं करने से तो कुछ तो करना अच्छा है। ब्रह्म ज्योति में भी वो लोग लीन हो रहे हैं और वो लोग भगवान की ही, और क्योंकि ये ऐसा भी नहीं है कि कोई अपने मन से सोच रहा है हाँ ये भगवान है ये ऐसे, ये एक तो भक्त कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आप भक्त हो भगवान के, और भगवान ने खुद रेफरेंस दिया है इसका, गीता में रेफरेंस आया है, भगवान ने खुद कहा है कि ये जो ब्रह्म ज्योति है, मतलब ये जो आंसर आपने दिया है ना माता जी, इसका भगवान, इसका बैकअप है गीता में, इसका मतलब रेफरेंस है। क्योंकि कई लोग हम सोचेंगे जब जब प्रीचिंग करेंगे तो लोग बोलेंगे कि ऐसा कैसे आप बोल रहे हो, लेकिन हम उनको बोल सकते हैं कि हमारे पास शास्त्रिक बैकअप है, गीता में आया है, भाई हम अपने मन से नहीं बोल रहे। तो मतलब उसमें भगवान बोलते हैं गीता में स्पष्ट रूप से कि ब्रह्म ज्योति भी मेरी, मेरे ही उसकी है, मेरे ही मुझसे आई है, मुझसे निकलती है, और कुछ ना करने से ये जो लोग कुछ नास्तिक बन के जो घूमते हैं उनसे अच्छा है कम से कम वो ना करे तो ये करे, कम से कम एक मेरी एक किसी शक्ति पे भी तो वो कंसंट्रेट कर रहे हैं ना, उसमें भी तो लगे हुए। तो बाकी तो आपने बहुत अच्छे से समझाया माता जी, बस ये शेयर करना था कि माता जी इसका गीता का बैकअप रेफरेंस है गीता में जो आपने बताया। थैंक यू माता जी। माता जी बहुत अच्छे से ऐड किया आपने, आपने उसको गीता के श्लोक के साथ आपने उसको, मुझे भी थोड़ा अभी आइडिया आ गया कि नेक्स्ट टाइम कभी लेक्चर्स में मैं इसको जरूर उस श्लोक को बोलूंगी। थोड़ा थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। व्रज पे माता जी, मैं खाली एक मिनट लेता हूँ यहाँ पे, मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे जया ने बोला है कि जो जैसे जीव पवन प्रभु का प्रश्न था उससे कनेक्टेड है कि जैसे हम लोग ने पहले भी देखा था कि दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक निराकारवादी होते हैं और एक साकारवादी होते हैं। तो इसीलिए जो है जैसे जीव पवन प्रभु का डाउट था कि ये कैसे भक्ति से कनेक्टेड है,
तो वो लोग भी जो है निराकार को मानते हैं, इसके लिए वो भगवान से कनेक्टेड है, भक्ति से कनेक्टेड है, भले वो ब्रह्म ज्योति को मानते हो। लेकिन जैसा सेकंड पॉइंट में ये बोलना चाहता हूँ कि आजकल जो ब्रह्म ज्योति के नाम पे जो भी चल रहा है वो ब्रह्म ज्योति को नहीं मानते वो लोग, जिस मतलब भगवान मतलब उसको हम लोग बोलते ना इम्पर्सनलिस्ट भी नहीं बोल सकते हम लोग। जैसे गीता अध्ययन में बहुत अच्छे से अपने श्याम रसिक प्रभु जी ने समझाया था कि एक होते हैं मायावादी और एक होते हैं ब्रह्मवादी। तो मायावादी ये जो है ये हमेशा नरक में ही जाएंगे, और आजकल के जितने भी ये जो मायावादी जो है जो बोलते हैं हम लोग ब्रह्म ज्योति को मानते हैं वो लोग नरक में जाने वाले हैं। तो ये दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड क्लियरली, हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये भी जो है ये सही है। बहुत सारे ऐसी संस्थाएं, मैं नाम नहीं लेना चाहता जी किसी का, लेकिन दे थिंक दे आर डूइंग वर्शिप बट दे आर गोइंग टू गो टू हेल। तो ये हम लोग को समझना है। और ब्रह्मवादी और मायावादी में ये फर्क है कि वो भगवान को मानते हैं लेकिन ब्रह्म ज्योति को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन ये जो मायावादी है उसका फर्क ये है कि मायावादी जो है ये भगवान को जो है ये समझते हैं कि भगवान जो है वो मनुष्य है और इनका भी मृत्यु होता है, ये एक जो है साधारण व्यक्ति है, दैट्स व्हाई दे आर ऑलवेज गोइंग टू हेल। तो ये जो है एक हम लोग को बहुत अच्छी तरह समझना है कि नॉट एवरीबडी इज करेक्ट। जो भी आजकल के जो है इफ ओनली शंकराचार्य है देन दे आर ओके। तो आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट जया। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, यू क्लेरिफाइड द डाउट है ये कंफ्यूजन। थैंक यू सो मच, ट्रू कंफ्यूजन आपने दूर किया प्रभु, कंफ्यूजन को। हर किसी को हम लोग को भक्त नहीं समझना है, स्पेशली बहुत सारे जो हैं और बहुत सारे हैं सब हैं, बट दे आर नॉट ब्रह्मवादी, दे आर मायावादी एंड वो भगवान के प्रति अपराधी कर रहे हैं। तो वी डोंट नीड टू कंसिडर देम एज वो लोग भी भक्त हैं और हम लोग भी ऐसा करेंगे तो चलेगा हम लोगों को। अब प्रभुपाद जी और भगवान क्लियरली बोलते हैं कि इवन दैट इज नॉट करेक्ट, हम लोग को उसके ऊपर जाना है हम लोगों को। तो वाई शुड वी से कि चलो ठीक है ये भी कर रहे हैं तो सही है, वहां तक पहुंचो उसके फिर ऊपर जाओ। नीड टू गो आउट बियॉन्ड, हम लोग को वैकुंठ भी नहीं चाहिए, हम लोग को तो गोलोक वृंदावन चाहिए हम लोगों को। तो दैट शुड बी अवर गोल। तो जो है हम लोग कहीं आस पास पहुंच पाएंगे, सो दैट ऑलवेज शुड बी क्लियर इन अवर माइंड। This is one point I wanted to say. Hare Krishna. जी प्रभु, प्रभु हम लोग लेकिन हम लोग है ना find out नहीं कर पाएंगे ना, that is why we should not run our mind towards like शंकर मठ वाले, या हमको पता नहीं चलेगा ना कौन real ब्रह्म ज्योति पे focus कर रहे हैं। I mean, we will not come to know okay. So, प्रभु actually you are on mute now. जैसे आपने बताया था कि हमको उसमें yes. नहीं जाना थी। We will not come to know. रियल जो रियल ब्रह्म ज्योति पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं हमको वो पता नहीं चल पाएगा ना प्रभु कौन से मठ वाले हैं। मैं बोला ना इवन इफ ओनली इफ शंकराचार्य दैट्स ए ऑथराइज्ड संप्रदाय दैट इज ओके, बट हम लोगों को उसके परे जाना है, हम लोगों को इवन दैट इज नॉट करेक्ट। उसके अलावा और जो भी है दे आर ऑल रॉन्ग, दे आर ऑल रॉन्ग। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सर। या ओके, हरे कृष्णा जया। और आई थिंक इसमें जी पवन प्रभु जी का भी आई थिंक इसमें क्लियर हो जाए कि हाउ दे आर कनेक्टेड टू भक्ति। सो थैंक यू, बहुत अच्छा मतलब प्रभु जी का, जी पवन प्रभु जी के क्वेश्चन की वजह से और भी पॉइंट्स निकले, सो थैंक यू जी पवन प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, ओवर टू व्रजप्रिया माता जी। सॉरी मैंने बीच में लो कनेक्टेड था इसके लिए लिया। मेरा नंबर कब आएगा माता जी? अब आपका नंबर है, आप कोई बीच में नहीं बोलेगा। नहीं माता जी, वेलकम। एंड आपका जो फर्स्ट क्लास है ना, फर्स्ट क्लास हो गया माता जी, बहुत बढ़िया क्लास था। एंड रियली ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आप फर्स्ट टाइम क्लास में आए गए, वैसे तो आप फैमिली मेंबर हो हमारे, बट ऐसे के लग ही नहीं रहा था कि आप पहली बार आए, एकदम ना बिन कूल होके, मतलब ऐसा नर्वस या नथिंग कुछ भी नहीं।
तो वाकई में फर्स्ट क्लास आपका फर्स्ट क्लास हो गया माता जी, थैंक यू सो मच। आपका क्लास सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने मिला, एंड आप ऐसे ही क्लास देते रहिए, और हम यही बोलेंगे कि आप अच्छे से प्रचार करो और दूसरों को भी प्रोत्साहन दो कि वो भी भक्ति में आगे बढ़े। थैंक यू सो मच माता जी, हरे कृष्णा। आप सब मुझ पे आशीर्वाद बरसाइए माता जी। आपने बोला कि मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो, कुछ गलती हो गई हो, आपकी गलती तो एक ही थी कि आपने क्लास जल्दी खत्म कर दिया, आपको तो और 5-7 मिनट बोलना चाहिए माता जी। बोलने के लिए था, लेकिन मुझे ना मेरा डर भारी हो गया, मैं डर के मारे मेरा टाइम बहुत जल्दी मेरे खत्म कर दिया। आपका फेस इतना स्माइलिंग फेस है, डरने का तो बात ही नहीं है, एकदम स्माइलिंग फेस, एकदम कूल होके, नर्वस ना बिल्कुल आप नहीं थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था फर्स्ट टाइम क्लास दे रहे हो, इसीलिए मैंने बोला ना कि आपका क्लास फर्स्ट क्लास था, लेकिन वो भी फर्स्ट क्लास हो गया, एकदम बढ़िया हो गया नहीं से। थैंक यू सो मच माता जी, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांग, थैंक यू माता जी।